ये सजा हमका मिली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सॉन्ग आज सुबह से धर्मेंद्र जी गा रहे हैं, जिनको मिली है कॉपीराइट स्ट्राइक। उनके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक और मिला है अल्टीमेटम यूट्यूब की ओर से 7 डेज का। अगर उसमें से एक भी कॉपीराइट वो नहीं हटवा पाते हैं तो उनका चैनल हो जाएगा डिलीट यूट्यूब से परमानेंटली। ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको बताते हैं इस इंट्रो के बाद में। वेलकम बैक टू अमान टेक वर्ल्ड। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और ये किस वजह से हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब से YouTube की नई पॉलिसी अपडेट हुई थी, 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपके चैनल पे होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो धर्मेंद्र जी ने कुछ सोचा ऐसा कि चलिए कुछ यूट्यूबर्स का, जितने लोगों का भी हला भला हो सकता है, हम कर देते हैं अपनी ओर से और उनकी वीडियो या फिर अपना उनके चैनल का लिंक अपने नीचे टैब पर अपलोड किया था। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अगर वहां से वो किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं अपनी कम्युनिटी टैब पर तो आपको काफी सारे वॉच टाइम, यानी कि वॉच टाइम आपको अच्छा खासा वहां से मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके चैनल पे वॉच टाइम भी आ जाएगा और सब्सक्राइबर भी उनके सपोर्ट की वजह से आ जाएंगे। तो यही सोचकर उन्होंने कुछ भला करने के लिए सोचा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात गवारा नहीं हुई, यानी कि उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उनके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने बिना परमिशन के उनकी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया, यानी कि कम्युनिटी टैब पर शेयर किया, इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक दी है। अब वो पता नहीं एक ही बंदा है 3 स्ट्राइक दिया या फिर 3 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने स्ट्राइक दी है उनके चैनल पर। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई, आप लोग अगर स्ट्राइक दिए हो तो आपका कुछ भी उसमें से नुकसान नहीं है, अगर उन्होंने आपकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, बल्कि आपका ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसमें क्या बात हुई है क्या नहीं हुई ये मैं नहीं बता सकता हूँ, या फिर मेरे साथ में ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है उनके साथ में। मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो और भी देखी है, जो बंदा ये दावा करता है कि मैंने ही उस चैनल पर क्लेम किया है कॉपीराइट का, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब वो वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे इस टाइम पे पड़ी हुई है और वो बंदा बोल रहा है कि ये पेड प्रमोशन कर रहे थे। अब उसमें क्या सच है क्या गलत है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ हाथ जोड़कर कि भैया, सब लोग हाथ ऐसे जोड़ते हैं, मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, आपसे हो सके तो आप प्लीज कॉपीराइट जो क्लेम किया उसे जो है वापस ले लीजिए, क्योंकि किसी के घर के परिवार का खर्चा आमदनी इसी चीज से हो सकता है चल रहा हो। अगर आप वहां पर उस पर क्लेम करते हैं, सोचिए उसे कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी। तकरीबन उन्होंने 2012 या फिर 2010 के आसपास में इस चैनल को स्टार्ट किया था, अब वो ग्रोथ पे आए हैं, तो सोचिए कि कितने दिन की मेहनत के बाद में कोई भी एक आदमी एक मुकाम पर पहुंचता है और अगर वहां पर आप उसे स्ट्राइक दे देते हैं तो फिर क्या हालत हो सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी के साथ में ये घटना हो सकती है, तो प्लीज केयरफुली आप अगर स्ट्राइक किए हैं हो सकता है तो आप लोग हटा लीजिए, ताकि किसी के भी परिवार की रोजी रोटी, आप सोचते होंगे उसके साथ में कितने लोग जुड़े होते हैं, माँ बाप भाई बहन और कितने भी लोग उस तरीके से जुड़े होते हैं उस परिवार के लोग कि और भी कोई इनकम नहीं हो उनकी, सिर्फ और सिर्फ यही यूट्यूब की इनकम है, तो कितने लोग जुड़े होंगे और कितने लोगों की रोजगार वहां से, यानी कि खाना खर्चा वहां से बंद हो सकता है अगर आप लोग स्ट्राइक नहीं हटाते हैं तो प्लीज हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग स्ट्राइक का क्लेम अगर आपको लगता है कि भाई आपने बाय मिस्टेक किया है तो हटा लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैं आपके ऊपर जोर नहीं दे सकता हूँ, दबाव भी नहीं दे सकता हूँ, बस गुजारिश कर सकता हूँ कि आप प्लीज हटा लीजिए स्ट्राइक को, ताकि किसी के भी परिवार की रोजी रोटी आप ना छीने या फिर उनके छीनने का मकसद ना बने। ओके, अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको कुछ सही तरीके से बताने की कोशिश की है या फिर जितने लोग इस वीडियो को वॉच करें वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के कमेंट में जाकर यही लिखिएगा, प्लीज रिमूव द स्ट्राइक माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उस बंदे का दिल पसीज जाए या फिर कुछ अच्छा समझ में आ जाए तो हटा ले स्ट्राइक को। ओके फ्रेंड, मिलते हैं टुमारो दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड।